इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रथम सत्र में हम समझते हैं कि गरीबी मुक्त आजीविका उन्नत पंचायत संकल्प को हासिल करने हेतु किए जाने वाले प्रयासों के बारे में। गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत पंचायत कैसे बना सकते हैं, इस पर कुछ अनुभव प्रक्रियाओं को समझेंगे, जिसमें थीम के लक्ष्यों को हासिल करने के सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों की मदद से अपने क्षेत्र और राज्य की परिस्थितियों के अनुसार प्रक्रियाओं में आवश्यक बदलाव करने में मदद मिलेगी। याद रखें, बेहतर आजीविका प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती पंचायत ही गाँव की गरीबी को कम करने की क्षमता रखती है। पंचायत ऐसे गाँव का निर्माण करने में सक्षम है, जहाँ सभी के लिए आजीविका के अवसर के साथ विकास और समृद्धि के अवसर हों। गौरतलब है कि गरीबी की समस्या और बेरोजगारी का आपस में गहरा संबंध है, जिसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। गरीबी मिटाने और स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आज मानव पूंजी में निवेश करने की जरूरत है। यदि कोई पंचायत इस पर कार्य करती है और गरीबी मुक्त पंचायत बनाने का सपना देखती है, तो उन्हें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जिससे निर्धन परिवारों की आय में वृद्धि हो और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गरीबी मुक्त पंचायत की परिकल्पना तब पूरी होगी जब सभी पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें, सभी के पास आजीविका के विविध साधन हों, सभी पात्र परिवारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध हों और सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की उपलब्धता पंचायत करा रही हो। पंचायत में सभी परिवारों का नामांकन पीडीएस अंतर्गत पात्रता आधारित राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित हो। पंचायत में सभी पात्र नागरिक आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत कवरेज किए गए हों। पंचायत में स्वयं सहायता समूह और किसान समूह सदस्यों को सामूहिक या व्यक्तिगत उद्यम योजनाओं से जोड़ा गया हो। पंचायत में किसानों का केंद्र एवं राज्य आधारित पोर्टलों पर पंजीयन हो, जिससे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी संबंधित योजनाओं का लाभ मिल रहा हो। पंचायत में सिटीजन चार्ट के अनुसार सेवाओं तक पहुंच हो। आइए हम देखते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों और आमजन का इस बारे में आखिर क्या कहना है। पंचायतें स्थानीय सरकार है जो आम लोगों को व्यक्तिगत लाभ दे सकती है। पंचायत के जो विकास के कार्य हैं वो लोगों के सहयोग से ही हो सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्राम पंचायत के पास में अपना डाटा हो, जैसे जन्म पंजीयन, मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, गरीबी रेखा की सूची, पेंशन के पात्र पेंशनों की सूची, आयुष्मान कार्ड की सूची, ये सभी प्रकार का डाटा ग्राम पंचायत के पास चाहिए तो लोगों को हम विकास की ओर ले जा सकते हैं। नरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामूहिक परिसंपत्तियों के निर्माण करने की अपार संभावना है। जीपीडीपी एक ऐसा माध्यम है जिससे वंचित परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए हमें बेहतर अवसर प्रदान करती है। हम सब दीदियाँ मिलकर यहाँ गणवेश तैयार करती हैं। सबसे पहले हम यह जगह के लिए ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें कोई जगह मुहैया कराया जाए जहां हम दीदियां मिलकर सिलाई का काम कर सकें। ग्राम पंचायत द्वारा हमें यह अतिरिक्त भवन दिया गया जहां हम दीदियां मिलकर गणवेश की सिलाई करती हैं और हमारी आजीविका को बढ़ाती हैं। मैं केपी राजौरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खातेगांव, जिला देवास। ऐसा कि जो पंचायतों का रोल कार्ययोजना बनाने से लेकर उसका क्रियान्वयन तक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसके लिए जो शासन की मंशा है कि लोगों में जागरूकता हो, लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो, इसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी समन्वय बहुत आवश्यक है। इस काम को प्रभावी रूप देने के लिए विभिन्न विभागों के योजनाओं का अभिसरण करके प्लान बनाया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लाभदायक होगा और शासन की या योजना की जो मंशा है उसकी पूर्ति हो सकेगी। पंचायतों में ये सभी कार्य तभी संभव है जब इनकी सुनिश्चितता पंचायत स्वयं करे। गांव के वंचित
और हाशिए पर जीवन जीने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राज्य एवं केंद्र सरकार की पात्रता प्राप्त योजनाओं का लाभ पहुंचाना। ग्राम में संचालित महिला समूहों द्वारा तैयार ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना अंतर्गत पात्रता आधारित आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का पंजीकरण, कौशल विकास हेतु इच्छुक व्यक्तियों की पहचान कर संबंधी वार्ड एवं महिला सभा का आयोजन करना, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को साल भर रियायती मूल्य पर पर्याप्त राशन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जिला कौशल केंद्र के माध्यम से कौशल मानचित्रण करना और प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन करना, किसानों की आय एवं उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि विशेषज्ञ संस्थाओं एवं विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, GPDP निधियों और कार्यक्रमों का योजना के स्तर पर अभिसरण करना। आइए हम जानते हैं कि गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत बनाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं का क्या नजरिया है। यह देखने में आया है कि पंचायतें जो है वो हमेशा मतलब एक इस प्रकार से डर जाती है कि VPRP में तो इतनी सारी मांगे आती हैं, तो हम पंचायतों से इन मांगों को पूरा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि VPRP के अंदर जितनी भी डिमांडें आती हैं, देखिए एक तो उसमें पात्रता की डिमांड होती है ना, पात्रता वाली मांगों के लिए पंचायतों को क्या करना होता है कि सिर्फ वो दस्तावेजों को पूरा देखना होता है, समझना होता है और दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करना होता है और संबंधित के माध्यम से वो उसको अप्लाई करवा सकते हैं, और उसमें उनको कोई रिसोर्स नहीं देना है, उसका कोई बजट उपयोग नहीं होता है। लेकिन दूसरा इसके अंदर जो आजीविका की योजनाएं आती है, अब आजीविका में भी पंचायतें उन्हीं योजनाओं को ले सकती है जो कि नरेगा से की जानी है। इसके अलावा अगर उनकी कोई आजीविका की योजना है तो या तो वो व्यक्ति स्वयं से करेंगे या वो समूह संगठनों के माध्यम से उसके अंदर पैसा लेंगे, और या फिर वो बैंक से लोन लेंगे या फिर सरकार की किसी विभाग या स्कीम के माध्यम से वो उसमें लोन लेकर के उसको वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पर उनको दस्तावेजों को स्पष्ट को देख करके उनको समझ करके ही करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी किया है। तो यहाँ पर भी जो पंचायतें हैं, जब उनके साथ में इस प्रकार से डिस्कशन किया, इस प्रकार से जब बातचीत की गई इसमें, तो बहुत सारी जो पंचायतें हैं उन्होंने इस तरीके से योजनाओं को VPRP की योजनाओं को GPDP में सम्मिलित करके एक पूरा एक विस्तृत प्लान जो कि किस प्रकार से पूरी ग्राम पंचायत की विकास योजना हो सकती है VPRP को सम्मिलित करके, तो उन्होंने उसको पूरा सम्मिलित किया है। और अन्य पंचायतें जो देश की हैं वो भी इस तरीके से प्लान को सम्मिलित करके समझ करके एक अच्छा GPDP प्लान बना सकती है। पंचायतें या हम कहें कि पंचायतों द्वारा जो अपने GPDP का जो निर्माण किया जा रहा है, खासतौर पर जो संकल्प आधारित GPDP का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक बेहतर कार्य योजना ही ना बने बल्कि उस कार्य योजना का समय समय पर समीक्षा भी हो। यदि हम देखें तो जो महिला संगठन हैं उनके द्वारा मासिक बैठकों में इस GPDP की समीक्षा होनी चाहिए, पंचायतों की जो समितियों की या पंचायतों की अपनी जो मासिक बैठक है उसके दौरान इस GPDP की समीक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ जो हर तिमाही पे जो ग्राम सभाएं होती हैं उसमें भी GPDP की समीक्षा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने जो काम तय किए थे उसमें से कौन से काम हो पाए और कौन से काम नहीं हो पाए, और जो नहीं हो पाए तो उनके पीछे वजह क्या रही, ये उस समुदाय को जानना बहुत ज़रूरी है, पंचायत के हर प्रतिनिधि को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह रही जो हमारे ये काम नहीं हो पाए। कहीं पर कोई दस्तावेजों की कमी है, कहीं पे किसी प्रकार के आवेदन की जरूर कमी है, या कहीं पर डिपार्टमेंट को और ज़्यादा हमें कन्वेंस करने की ज़रूरत है, पंचायत के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से जाके डिपार्टमेंट से बातचीत करें और अपने जो नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत जो नियोजित कार्य हैं उनको समय सीमा में पूर्ण कराना, ये उनकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण बात जो ज़रूरी है वो ये है कि निर्णय निर्माण निगरानी की प्रक्रिया में समुदाय के हर वर्ग की भागीदारी बहुत आवश्यक है। पंचायतों को अपने स्तर पर इन सभी वर्गों को सशक्त बनाना होगा, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों को, किसान उत्पादक समूहों को, बैंक संवाददाताओं एवं CSC को, ग्राम स्तर पर समुदाय स्रोत सदस्य जैसे बैंक सखी, पशु सखी, किसान मित्र आदि को। तो क्या आपकी कार्य योजना में इन सभी बातों का समावेश है? क्या आपकी GPDP में उक्त कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की गई है? इन कार्यों को पूरा करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों, विभागों के नामों को चिन्हित कर लिया गया है?
इन सभी बिंदुओं पर काम करने के बाद निश्चित ही पंचायतें खुद को गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायतों के रूप में खुद को विकसित कर पाएंगी। वंचित और पात्र परिवारों के लिए तैयार की गई योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाकर सशक्त करती ग्राम पंचायतें एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनेंगी। ग्रामीण भारत को गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जरूरी है। अभी तक हमने समझा कि अपनी पंचायत को गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करने की आवश्यकता है। आइए अब समझते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने हेतु केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना। गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत बनाने हेतु इन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है ये सत्र एक गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।